भारी बारिश के बाद चंपावत में भरभराकर पहाड़ गिरने लगे हैं। लैंडस्लाइड के बाद चंपावत टनकपुर हाईवे भी बंद हो गया है। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। तो देखिए, सड़कें बाधित हो रही हैं भारी बारिश की वजह से, क्योंकि लैंडस्लाइड की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। भारी बारिश की वजह से चंपावत में भरभरा करके पहाड़ गिरे हैं, लैंडस्लाइड हुआ है। देखिए तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड के बाद चंपावत टनकपुर हाईवे भी बाधित हो गया है, बंद हो गया है। फिलहाल सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है, तो इसीलिए अगर इधर का प्लान बना रहे हो जाने का तो सावधान हो जाइए, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बाधित हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, हिमाचल में अटल टनल और रोहतांग का रास्ता बंद कर दिया गया है। कुल्लू और मनाली से टनल की ओर आवाजाही को बंद कर दिया गया है। लैंडस्लाइड और भारी बाढ़ का यहां पर खतरा मंडरा रहा है। यही है अटल टनल, जिसे बंद कर दिया गया है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यहां पर भारी बारिश की वजह से जलभराव है और इस टनल को बंद कर दिया गया है, आवाजाही रोक दी गई है। कुल्लू और मनाली से टनल की ओर आवाजाही को बंद कर दिया गया है। और हालात बहुत ज्यादा खराब है। शिमला कालका रेल ट्रैक पर पेड़ गिर गए, यानी कि जो रेलवे ट्रैक है वो भी बाधित हो चुका है। बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरा है। शिमला कालका हेरिटेज रेल ट्रैक है, ये देखिए इसकी क्या हालत हो गई है। यहाँ पर पेड़ गिर गया है और इस वजह से ये जो पूरा रेलवे ट्रैक है, फिलहाल यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं चल सकती है। ये रेलवे ट्रैक बाधित हो चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। शिमला कालका रेल ट्रैक है ये, जहाँ पेड़ गिर गया है बारिश की वजह से। शिमला कालका हेरिटेज रेल ट्रैक बंद हो चुका है।